भाई साहब ये आपके पैसे गिर गए हैं। तुमने तो इसमें से कोई पैसे नहीं उठाए। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने आपके पैसे नहीं उठाए। जैसे ही आपके पैसे गिरे मैंने आपको बता दिया था कि आपके पैसे गिर गए हैं। ठीक है, भाई साहब अल्लाह के नाम पे कुछ मदद करते जाओ। ओ भाई, मेरे अपने हालात बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारी क्या मदद करूं। भाई साहब ये आपकी घड़ी गिर गई है। गलीज इंसान, मेरी घड़ी को हाथ तो नहीं लगाया। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने आपकी घड़ी को हाथ नहीं लगाया। साहब मैंने आपकी इतनी कीमती घड़ी आपको वापस की है, प्लीज मेरी कुछ हेल्प करते जाएं। ओ जाए जाए, मैंने वैसे भी देख लिया था घड़ी मेरी नीचे गिर गई है। अगर तू ना बताता तो फिर भी मैं उठा लेता। भाई मुझे बहुत भूख लगी है, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दे। ये लो भाई, ये खाना मैंने अपने लिए लिया था, तुम खा लो। बहुत शुक्रिया भाई आपका। भाईजान ये आपकी चैन गिर गई है। देखो भाई ये मेरी चैन नहीं है, इसे अपने पास रखो और जिसकी भी हो उसे वापस कर देना। अरे भाई मैंने खुद देखा है, ये चैन आपकी गिरी है। देखो भाई ये मेरी चैन नहीं है, अगर मेरी होती तो मैं रख लेता, जिसकी भी हो आप उसे वापस कर देना। देखिए अब आपने माल्टा उस जगह पर खाकर आना है जहाँ पे आपको कोई देख ना रहा हो। ये कैसा टेस्ट है? देखिए आपको जो बोला गया है आप बस वो करें। हाँ आप लोगों ने खा लिए अपने माल्टे? हाँ हाँ मैम खा लिए मैंने। हाँ मैंने भी खा लिए। और आपने कहाँ खाया माल्टा? मैम मैंने माल्टा नहीं खाया। यू आर सिलेक्टेड और आप लोग जा सकते हैं। ये क्या सीन है, उसने माल्टा नहीं खाया और उसे जॉब मिल गई है, और हमने तो माल्टा ऐसी जगह खाया जहाँ कोई हमें देख भी नहीं सकता था और हमें जॉब नहीं दी आपने। ऐसा क्यों हुआ है ये बात आपको बॉस ही बता सकते हैं। तिशाल तुम जाके अपना काम करो। ये माल्टा खाने वाला अजीब सा काम आपने बोला था हमें करने को? हाँ मैंने बोला था, और मैंने ये कहा था कि माल्टा उस जगह खाकर आना है जहाँ पर आपको कोई देख ना रहा हो। तो मैंने तो माल्टा ऐसी जगह पे खाया जहाँ पे मुझे कोई भी नहीं देख रहा था। मैंने भी वहाँ खाया जहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा था। और तुम बताओ तुमने माल्टा क्यों नहीं खाया? वो क्या है ना सर, मुझे घर वालों ने समझाया हुआ है जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर ऊपर वाले की जात देख रही होती है। देखा, इसलिए मैंने उसको जॉब पर रखा है क्योंकि वो तुम दोनों से ज्यादा जहीन है। और हाँ मैंने तुम दोनों को पहले ही चेक कर लिया था और तुम दोनों मेरे इम्तिहान पर पूरे नहीं उतरे। एक बात हमेशा याद रखना, किसी जगह पर भी काम करने के लिए वहाँ पर ईमानदार होना ज़रूरी है, और तुम दोनों ईमानदार नहीं हो। आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। शुक्रिया।